इसकी लोकेशन इस तरह से है कि ठंडी सड़क एक बड़ी मशहूर सड़क है यहाँ की हैदराबाद की, उसके बिल्कुल साथ ही जो है कैंट का एरिया है और ये मुंबई बेकरी है। उसी से ही थोड़ा और आगे आएंगे तो ये मुंबई बेकरी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सब तक टीवी और आपका होस्ट दिया। आज हम लोग हैदराबाद आए हुए हैं और एक मशहूर जो यहाँ की सौगात है मुंबई बेकरी, वहाँ पर हम मौजूद हैं। अभी अंदर से भी आपको दिखाएंगे, इसका विजिट कराएंगे और इनकी वैरायटीज़ भी दिखाएंगे। और ये बहुत मशहूर, पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, हैदराबाद सिंध के अंदर मुंबई बेकरी का एक बहुत बड़ा नाम है। और बाहर से मैं आपको अभी इसके पूरे मसाज दिखाऊंगा और अभी हम अंदर जाएंगे, आपको अंदर का विजिट कराते हैं। ये बहुत लंबी लाइन होती है और बहुत बड़ी लाइन लगी है। तो जिस तरह से हम अंदर दाखिल हुए हैं और ये मुंबई बेकरी का और ये यहाँ पे लाइन लगी हुई है, इसके हिसाब से जो है वो टाइमिंग के हिसाब से यहाँ पे चीज़ें मिलती हैं। मेन गेट है, ये टाइमिंग है इसकी। मुंबई बेकरी की बुनियाद 11 नवंबर 1911 में मेराज राय गंगाराम ठेडानी ने रखी। इसकी तरक्की इनके बेटों किशनचंद, श्यामदास, गोपीचंद और पोते कुमार ठेडानी की मेहनत से आज भी कायम है। मेराज राय ठेडानी का ताल्लुक दादू से था, मगर वो बम्बई से बहुत मुतासर थे। बम्बई से मोहब्बत के नाते इस बेकरी की इमारत भी इस तर्ज पर रखी और इस बेकरी का नाम भी दी बम्बई बेकरी रखा। 1948 में बिराज राय ठेडानी इस दुनिया से चले गए, लेकिन इनके बाद इनके बेटों ख़ास तौर पर किशनचंद ने इस बेकरी को जारी रखा और 1960 में किशनचंद भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। किशनचंद के बाद इनके भाई गोपीचंद और साहबजादे कुमार ठेडानी ने इस बेकरी को जारी रखा। एक सदी से मुंबई बेकरी एक ही ख़ानदान के इंतज़ाम में रही है, इसी वजह से आज भी इस बेकरी के जायके और मयार में कोई तब्दीली नहीं आई। 2010 में कुमार ठेडानी भी इस दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन आज इनके बेटे सोनू इस बेकरी के रूहे रवा हैं, यानी आज भी ये बेकरी इसी ख़ानदान के हाथों में अपनी असल हालत में मौजूद है। Thank you.